तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर जान रहे हैं कि यहाँ पर मैंने आप सभी को थंबनेल में बताया है केवल पैन नंबर से आप पैन कार्ड कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए इसमें आपको दो वेबसाइट होता है, पहला होता है यूटीआई और दूसरा होता है एनएसटीएल, यानी कि दो ही माध्यम से यहाँ पर पैन कार्ड बनाया जाता है। अगर आपके पास पैन कार्ड बनाया है आपने, अगर पैन कार्ड खो गया है आपके पास, अगर केवल पैन नंबर है तो आप पैन कार्ड को कैसे डाउनलोड कर पाएंगे केवल पैन नंबर से। तो मैं इसमें आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि केवल पैन नंबर से आप पैन कार्ड कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। और उससे पहली बात, आपको पहले ये जानना जरूरी है कि जो भी आपने पैन कार्ड बनाते समय मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिया होगा, उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चालू होना जरूरी है। अगर आपके पास वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चालू होगा तो आप घर बैठे पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप एक आधार कार्ड डाउनलोड कर पाते हैं, मोबाइल नंबर लिंक रहता है आधार कार्ड में, तो आप घर बैठे जिस तरह से आप डाउनलोड कर पाते हैं आधार कार्ड को, उसी तरह से आप यहाँ पर पैन कार्ड को यहाँ पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसमें आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। अगर चैनल पर हमारे नए होंगे, अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको बहुत सारे पैन कार्ड से रिलेटेड बनाने से लेकर सुधार करने तक, साथ ही साथ में घर पर पैन कार्ड मंगवाने के और यहाँ पर पैन कार्ड डाउनलोड करने का, मैं इसमें कंप्लीट प्रोसेस बता रखा हूँ। तो आप अगर पैन कार्ड बनाना चाहते हैं या सुधार करना चाहते हैं, या पैन कार्ड घर पे मंगवाना चाहते हैं, पैन कार्ड टूट गया आपका अगर घर पे मंगवाना चाहते हैं, तो सभी का वीडियो बना हुआ है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसमें मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि पैन कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर या मोबाइल क्रोम ब्राउजर में ओपन करेंगे इस तरह से, और गूगल में आपको टाइप करना है यहाँ पर पैन कार्ड डाउनलोड। तो चलिए मैं यहाँ पर टाइप कर चुका हूँ, इसको सर्च कर लूँगा। सर्च करने के बाद आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड पैन कार्ड। तो यहाँ पर आपको यूटीआई और एनएसडीएल दो माध्यम से यहाँ पर डाउनलोड होता है। तो यहाँ पर आपको एनएसडीएल है और यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है यूटीआई के माध्यम से पैन कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस। यहाँ पर आपको यूटीआई बताया गया है और ऊपर में आपको बताया था एनएसडीएल के लिए। तो आपका जो भी पैन कार्ड बना हुआ, जिससे आपका बना होगा, उससे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर एनएसडीएल से पैन कार्ड बना है, तो एनएसडीएल से यहाँ पर पैन कार्ड मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। तो मुझे एनएसडीएल से डाउनलोड करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि इस वाले प्रोसेस पर आना होगा, यानी इस वाले वेबसाइट पर। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। एक बात और ध्यान देंगे, अगर आपका पैन कार्ड एनएसडीएल या यूटीआई से बना है, आपको कैसे पता करना है, तो उसका आप यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर डिटेल बता दूंगा, या तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए, आप जैसे ही आकर पैन नंबर डालते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको डिटेल जैसे कि आ गया है, यहाँ पर चूज करने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर एक नॉर्मल नंबर से और पैन नंबर से, और यहाँ पर अप्लाई लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको एक नॉर्मल नंबर या पैन, अगर आपके पास पैन नंबर है तो पैन नंबर से डाउनलोड करेंगे। मेरे पास पैन नंबर है, पैन नंबर डालूंगा। यहाँ पर पैन नंबर आपको डालना है, इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डाल लेना है, इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में आपको यहाँ पर मंथ, यानी कि जैसे अभी मार्च 2022 चल रहा है, तो यहाँ पर मार्च डालेंगे और यहाँ पर 2022 यहाँ पर टाइप कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे आपको आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर जीएसटी में आपको ऑप्शनल है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर एक आपको चेक बॉक्स का ऑप्शन है, इस पर चेक बॉक्स लगाना है। इसके बाद ये वाला कैप्चा है, इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है, इसके बाद यहाँ पर सबमिट करना है। तो चलिए मैं डिटेल फिल करके शो कर देता हूँ। मैं यहाँ पर अपना सारे डिटेल फिल कर चुका हूँ। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट का सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जो भी आपने डिटेल अभी तक फिलअप किया है वो डिटेल यहाँ पर सभी डिटेल मिलने देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पर पैन नंबर, इसके बाद जो मोबाइल नंबर आपका लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर लास्ट 4 डिजिट दिखाएगा, और इसके बाद यहाँ पर जो आपका ईमेल आईडी लिंक होगा, ईमेल आईडी यहाँ पर दिखा देगा। इसके बाद जो आपका पिन कोड होगा, एरिया पिन कोड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा नीचे आना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर सेलेक्ट करना है ब्राउज, यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए ओटीपी जिस माध्यम से आपका आएगा। जैसे आप मोबाइल पर मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये वाला मोबाइल वाला सेलेक्ट करेंगे, अगर ईमेल पर मंगाना चाहते हैं ये ईमेल वाला सेलेक्ट करेंगे, अगर दोनों पर मंगाना चाहते हैं तो बोथ पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर मोबाइल पर मंगा लेता हूँ। मोबाइल पर मंगाने के लिए यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे, इसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर जनरेट ओटीपी का सेक्शन है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना होगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल पर ओटीपी चला जाएगा, जो आपका मोबाइल नंबर आपके पैन कार्ड के साथ लिंक होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर पैन नंबर, मेरा जो यहाँ पर मोबाइल नंबर लिंक था उस पर मेरा ओटीपी आ चुका है, मैं यहाँ पर ओटीपी फिल कर चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से पेज देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यू फ्री ई पैन कार्ड डाउनलोड अटेम्प्ट इज एक्चुअली यू मे बे प्रोसीड विथ पेड फैसिलिटी। तो यहाँ पर कंटिन्यू टू पेड ई पैन डाउनलोड पर जाएंगे, आपको यहाँ पर कुछ 8 रुपया कुछ पैसा पेमेंट कटेगा आपको।
तो यहाँ पर कोई खास नहीं है ज़्यादा, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। आप इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर पेमेंट मोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा 8 रुपया, जैसे यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट है, यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क से। अगर आप पेटीएम, अमेजन पे या गूगल पे, फ़ोनपे किसी से अगर पेमेंट करना चाहते हैं, तो इस वाले सेक्शन पर आएंगे यहाँ पर, और यहाँ से आपको चूज करके डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ ये वाला फाइल यहाँ पर, और इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको पेमेंट यहाँ पर दिखाएगा कि आपको पेमेंट कितना चार्ज किया जा रहा है। यहाँ पर GST चार्ज है केवल 8 रुपये 26 पैसा, और आपको यहाँ पर फ्री में पैन कार्ड डाउनलोड होना है। तो यहाँ पर सभी डिटेल बताया है कि जो भी 8 रुपया कुछ पैसा पेमेंट करता है, तो यहाँ पर आपको केवल PDF ओनली यहाँ पर ई पैन कार्ड भेजा जाएगा। PDF जो ईमेल आईडी है उस पर भेजा जाएगा, या तो आप किसी पर भी, आपको मोबाइल पर मैसेज आएगा, मैसेज के माध्यम से आपको एक लिंक भेजा जाएगा, लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 8 रुपया 26 पैसा पेमेंट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट, यहाँ पर रीप्रिंट पैन कार्ड जो दिया गया आपको, अगर फिजिकल मंगाना चाहते हैं तो रीप्रिंट पैन कार्ड को करना हो। जैसे मैं इसका एक स्पेशल वीडियो पहले ही बना दिया हूँ, आप वहाँ से आपको उसको जाकर देख लेंगे। अगर आपका फिजिकल पैन कार्ड घर पर अगर आपको मंगाना है तो मुझे यहाँ पर पेमेंट करना है। यहाँ पर इस वाले सेक्शन पर आएंगे, यहाँ पर आई एग्री वाले पर। इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा पेज आया देखने को। इसके बाद आपको क्या करना है कि पे कंफर्म पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट यहाँ पर आपको मोड आ जाएगा, पेमेंट यहाँ से मोड कर लेना है जो भी पेमेंट मोड है। चलिए मैं यहाँ से पेमेंट कर लेता हूँ। जो आपका मोबाइल नंबर होगा एंटर करेंगे, जो जो UPI चलाते होंगे। इसके बाद आपको अगर ये नहीं करना है तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी। तो मुझे यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करना है, यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको OTP सेंड किया जाएगा अगर आप पेटीएम के माध्यम से करते होंगे तो चलिए मैं आपको पेमेंट करके शो कर देता हूँ। मेरा यहाँ पर OTP वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई करने के बाद आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तो चलिए मैं आपको पेमेंट करके शो कर देता हूँ। तो पेमेंट करने के बाद आपको एक स्लिप प्राप्त होगा। स्लिप प्राप्त होने के बाद वहाँ पर आपको डायरेक्ट एक PDF का लिंक सेंड किया जाएगा। आपका जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, तो पेमेंट कंप्लीट होने के बाद एक पेमेंट का रिसिप्ट प्राप्त होगा। रिसिप्ट को आपको डाउनलोड करके रख लेना है, और इसके बाद ऊपर में एक ऑप्शन होगा ई पैन कार्ड डाउनलोड का। तो ई पैन कार्ड डाउनलोड के लिए ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको दो ऑप्शन आएगा। यहाँ पर फिजिकल, यहाँ पर आपका ई पैन कार्ड PDF के लिए, और दूसरा आएगा TXT के लिए। तो वहाँ पर आपको चूज करना है PDF वाला फाइल। आप PDF पर क्लिक करेंगे और आपका वहाँ पर पैन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। पैन कार्ड डाउनलोड होने के बाद वहाँ पर एक पासवर्ड आता है, जो पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। आपको जो पासवर्ड में आपको डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना होगा। आप जैसे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे पासवर्ड में, तो आपका पासवर्ड वहाँ पर ओपन हो जाएगा, आपका पैन कार्ड मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना पेमेंट करके वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए। अगर मन में कोई भी अगर सवाल हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलेंगे।